भोपाल के रविंद्र भवन में शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहायता समूह के बहनों को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान 500 सहायता समूह को चेक भी बांटे गए। भोपाल के रविंद्र भवन में शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्व सहायता समूह की बहनों को वर्चुअली संबोधित किया। कार्यक्रम में मौजूद बहनों ने कार्यक्रम को सुना और समझा। इस दौरान महापौर मालती राय ने बताया कि राजधानी भोपाल में 100 से अधिक स्व सहायता समूह चल रहे हैं, जिसमें 100 से अधिक बहनें हैं जो सहायता समूह से जुड़कर परिवार की आजीविका अच्छे से चला पा रही हैं। आज 500 सहायता समूह को चेक भी भेंट किए गए। वहीं स्व सहायता समूह की अध्यक्ष सीता रघुवंशी ने बताया कि हमें 1,50,000 का लोन दिया गया, जिसके माध्यम से हम अच्छे से काम कर रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया है और बहुत दिनों से योजना चल रही है महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाकर बैंक द्वारा उनको लोन दिलवाया जा रहा है और महिलाओं को कुटीर उद्योग के माध्यम से उनके परिवार को सशक्त बनाने का भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था उस सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लोन देकर और उनको सशक्त बनाने का काम किया है। कितने लोगों को लोन दिया? आज हमने लगभग 5 लोगों को लोन दिया है। भोपाल में बहुत सारे समूह अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे हैं और क्षेत्रों में चलने के साथ हमारे जो 2 समूह बड़े थे उनमें 100-100 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 10 लोगों का एक समूह बनता है, ऐसे उनके 10 समूह हैं। 10 ही समूह में कुछ बहनें सिलाई का काम करती हैं, कुछ बहनें बड़ी पापड़ बनाने का काम करती हैं, कुछ बहनें कुटीर उद्योग के माध्यम से जो गुड़ की पट्टी और गुड़ के आइटम रहते हैं वो भी बनाने का काम करती है और वो मार्केट में सेल भी करती है। और इस तरह से पूरे भोपाल में स्व सहायता समूह की बड़ी संख्या है और वहाँ पर बहनें अपना उद्योग करती हैं। सभी बहनें कोई गेहूँ चावल बीनती हैं, कोई बहनें खाना पकाती हैं, कोई बहनें बर्तन धुलती, यानी कि समूह की सारी बहनें कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही हैं और सब बहनों का अच्छे से आत्मसम्मान है सब बहनों का और सब बहनों के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, काम मिला है तो। और छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं हम लोग मिलजुल कर, जैसे कि दाल का काम कर रहे हैं हम, पिपरिया की तुअर दाल का वो भी सेल कर रहे हैं, दलिया का, आटे का, तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हम बहनों को और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।